मैंने उन्हें पूरा बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ मेकअप से ही हो रहा है, तब आप मेकअप लगाना छोड़ दो। रूम की लाइटिंग भी बहुत बेकार है तो मैं इतनी बुरी नहीं दिखती हूँ। इनके सर दर्द हो रहा है और ये पूरे साड़ी पहन के तैयार हो गई है, बताओ इससे ज्यादा डेडिकेशन है किसी में? द पास्ट वन मंथ हैज बीन वेरी वेरी हेक्टिक। तो मेरे 9 दिन के फास्ट खत्म होने वाले हैं, इसी खुशी में प्लीज जय माता दी बोल के रेड सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी वीडियो की। गाइस, सो आई जस्ट वोक अप, इट इज अबाउट 8:30 इन द मॉर्निंग। यूजुअली मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ बिकॉज सुबह मुझे पूजा करनी होती है, बट क्योंकि आज मम्मी ने पूजा कर दी थी तो आई वॉज जस्ट फीलिंग लेजी और मैं यहाँ वहाँ सोए जा रही थी एंड अभी भी मैं सोफा पर बैठी हुई हूँ बिकॉज इफ़ आई सिट ऑन माई बेड फॉर 1 more second आई एम गोना स्लीप अगेन। तो या और मैं इतनी धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी सोई हुई है और भाई भी सोया हुआ है। नाउ आई वॉज प्लानिंग टू व्लॉग टुडे एंड टमोरो बिकॉज अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग फॉर व्लॉग्स कि आप व्लॉग नहीं करते, आपने बस एक ही बार व्लॉग किया था। That is because guys, my life is very very boring and there is nothing to vlog about. But क्योंकि आज के दिन I have like to go out and also कल नवमी है तो there would be something interesting in the vlog to show. तो मैंने सोचा why not, and like I was excited to vlog but then I came to tell my mom कि आज मैं vlog करूँगी and I saw that she's sleeping and I asked her. तो उनके हेडेक हो रहा है, एक्चुअली शी हैज़ माइग्रेन प्रॉब्लम। जब भी कुछ अच्छा होता है या कुछ भी होता है तो शी गेट्स हेडेक एंड बट एनीवे शी इज़ रेस्टिंग, इसीलिए मैं इतनी धीरे बात कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आई एम गोना गो टेक बाथ बट बिफोर दैट आई हैव टू गो एंड जस्ट फिनिश वन अगेन फ्रॉम द पूजा / स्टडी रूम। सो आई हैव टू वर्क ऑन दिस एडिट जस्ट सम फाइनल टचेस क्योंकि ये वीडियो आज लाइव होगा at 11 AM on my channel. ये होगा day 8 of नवरंगी नवरात्रि। और अगर आपको नहीं पता है तो नवरंगी नवरात्रि मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज की थी ड्यूरिंग द नवरात्रि वीक, नॉट द वीक, द एंटायर 9 days। तो मैंने 9 different मेकअप लुक्स क्रिएट किए थे एंड 9 different गेट रेडी विद मी द स्टाइलिंग सॉर्ट ऑफ वीडियोस। तो वो वीडियोस मैंने पहली बार की थी तो मैंने वो शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं और मेकअप ट्यूटोरियल्स भी बहुत क्विक एंड ईजी हैं, 4-5-6 minutes ओनली। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक चेक नहीं की है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, मैं कॉमेंट में भी वो प्लेलिस्ट पिन कर दूंगी, तो आप वो वीडियो प्लीज़ चेकआउट करना। दे आर रियली रियली इंटरेस्टिंग, द लुक्स टर्न आउट सो सो ब्यूटिफुल एंड 9 looks कॉन्टिन्यूसली क्रिएट करते करते आई रियली रियली लर्न अ लॉट मोर अबाउट मेकअप। आई मीन लाइक आई एम लर्निंग माई सेल्फ, तो इट इज़ बीन अ जर्नी एंड आई एम रियली रियली एंजॉइंग द जर्नी बाय फार। ऑल्सो गाइज प्लीज इग्नोर माई फेस, आई मीन मैंने मुंह भी नहीं धोया है अभी तो इट इज़ लुकिंग वेरी बिजार एंड वेरी वेरी मेसी एंड इवन माई हेयर, सो प्लीज़ इग्नोर दैम। एंड सोने पर सो आ गए, इस रूम की लाइटिंग भी बहुत बेकार है तो मैं इतनी बुरी नहीं दिखती हूँ, इट इज़ जस्ट द लाइटिंग नॉट माई फेस। आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद यू, यू आर अगली। I have taken the bath, और पूजा हो गई है, my tika is telling that quite clearly, और मेरी माता श्री भी उठ चुकी हैं and I am making chai for her. Okay, so the chai making is done, मैं चाय बना के दे आई हूँ। I do not understand her addiction with chai, like उनके सर में दर्द हो रहा होगा, you give her chai and there are a good 80% chance कि उनका headache सही हो जाए। Not just her, there are a lot of people who are like addicted to chai, like the chai lovers. There are so many memes going around on the internet. Chai lovers ये, chai lovers वो, अगर आप chai lover नहीं हो तो we can't be friends in that. But like I do not understand the addiction with chai, ऐसा नहीं है that I haven't had chai, so I don't know what chai is like. I have had chai quite a few times in the past but I do not like chai, like
एक तो मुझे वैसे ही हॉट ड्रिंक्स उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझसे पी नहीं जाती, बट आई एम लाइक समटाइम्स कॉफ़ी लवर काइंड ऑफ अ पर्सन. आई मीन अब मैं समटाइम्स वाला हो गई हूँ, पहले तो आई यूज टू लव कॉफ़ी, मतलब मैं रोज़ कॉफ़ी पीती थी, इनफैक्ट टू टाइम्स अ डे समटाइम्स. बट देन ऐसा हो गया था कि आई गॉट एडिक्टेड टू कॉफ़ी, कि कॉफ़ी नहीं मिली तो फिर मेरे हेडेक होने लग जाता था. तो आई एम लाइक अगर कभी लाइफ में मुझे किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाए तो आई हैव टू लीव इट देन एंड देयर. सो इसके अलावा घर में ये चल रहा है कि आज सबका फास्ट है, तो सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया है, तो एवरी वन इज़ गोइंग क्रेजी. इतनी इतनी सी बात पर एवरीबडी इज़ सो लोकेशन चेंज बिकॉज उस रूम में मम्मी आ गई थी झाड़ू मारने, बाकी रूम्स की सफाई तो भाई ने कर दी है. तो एज अ वो सेइंग आज सबका फास्ट है तो सब छोटी छोटी बात पर चिढ़ रहे हैं. सो इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि क्या पता कोई इस बात पर गुस्सा हो जाए कि बोले जा रही है तेज तेज. तो या दैट्स दैट, क्योंकि किसी का भी ज़्यादा दिन फास्ट था नहीं, फर्स्ट डे रखा था और आज रखा है, तो दे आर नॉट यूज टू इट. मेरा तो 9 दिन का था तो आई एम प्रीटी मच यूज टू इट बाई नाउ. अनदर लोकेशन चेंज बिकॉज अब हॉल में मम्मी आ गई है तो मैं वापस उनके रूम में आ गई हूँ. अपने रूम में मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वहाँ पे भाई बैठा है, और जब मैंने उसको बताया कि मैं व्लॉग करने वाली हूँ तो उसका सबसे पहली डिमांड ये थी कि मुझे बता दियो तू कहाँ नहीं आने वाली है, तो मैं वहीं बैठूंगा. तो बेसिकली अब जहाँ वो होगा वहाँ मैं नहीं जा सकती, और जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वो नहीं होगा. तो आई डेंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिम, उसका भी फास्ट है तो इसीलिए आई एम सिटिंग हियर. ओके, तो मैंने अपना फ़ोन पिलो पे बैलेंस किया हुआ है, जस्ट मैटर ऑफ सम टाइम कि ये वापस गिर जाएगा नीचे, बट वील टॉक टिल देन. तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी करने का, बिकॉज द पास्ट वन मंथ हैज़ बीन वेरी वेरी हेक्टिक. देयर वाज सो मच वर्क फ्रॉम ऑफिस. मतलब वैसे तो ऑफिस का टाइमिंग होता है 8 आवर्स, बट 9 to 7 इज़ द इंडिया टाइमिंग. माई क्लाइंट इज़ अमेरिकन, तो वो फिर उधर अमेरिका वाली जो ऑन साइट टीम है दे जॉइन एट नाइट, लाइक दे जॉइन इन देयर मॉर्निंग जो कि यहाँ पे नाइट हो जाती है, तो फिर रात में अलग मीटिंग होती है, वो फिर 3-4 घंटा उसमें लगता है. तो मतलब एवरी डे इट वॉज लाइक 12-13 एंड समटाइम 15 आवर्स ऑफ वर्क. रात में 3-3 बजे सो और फिर सुबह 8 बजे उठ जाओ क्योंकि 9 बजे मीटिंग होती है एंड यू हैव टू गेट रेडी. इट वॉज टू मच. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मेरे को यूट्यूब पे भी ध्यान देना रहता है, तो ऐसा हो रहा था कि जितना थोड़ा बहुत टाइम बचा है रात में सोने का, तो सोने से पहले 1 घंटा आई यूज टू एडिट. एंड आई फील बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट एबल टू लाइक डू माई बेस्ट. एक मंथ तो ऐसा गया है ना, बाप रे, एक ही इसी मंथ में सारा ऑफिस का काम इतना सारा हो गया था. और फिर मेरी नवरंगी नवरात्रि की सीरीज थी तो इसके लिए मेरे को 9 लुक शूट करना था. तो आज मेरा मन था कि फाइनली मेरे पास ऐसे कोई डेडलाइन वाला काम नहीं है तो आई विल जस्ट चिल टुडे. और फिर मैंने आज ब्लॉग करने की सोच ली थी तो मैंने सोचा कि चलो आई विल जस्ट चैट विद यू गाइज लिटिल लाइफ अपडेट्स हियर एंड देयर. एंड आई एम क्वाइट लाइक, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और पहले बनाते हैं बनाना शेक बिकॉज भाई को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है एंड फ्रूट्स वाला बनाना देख के चला गया है. तो लेट्स मेक सम बनाना शेक राइट नाउ. अनदर लोकेशन चेंज बिकॉज मुझे हर कोई भगा दे रहा है. मैं जैसे ही कैमरा ऑन कर रही हूँ एवरीबडी इज लाइक यहाँ से जा यहाँ से जा. तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ. बाय द वे दिस इज़ द फेवरेट कॉर्नर ऑफ माई हाउस, मुझे यहाँ पर बैठना बहुत पसंद है. मेरा बनाना शेक बन गया है, मैं इसे फटाफट पी लूँ. चेंज, दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे. आई हैव वोन सम ब्लैक जीन्स एंड दिस वाइट इजी ब्रीजी टॉप. इट इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल एंड आई रियली लाइक इट. एंड आई एम बेयर फेस, नो मेकअप ऑन, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम विजिटिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड इट वुड बी सो स्टूपिड टू विजिट अ डर्मैट विद मेकअप ऑन, राइट? सो या दैट्स लुकिंग एक्सट्रीमली वाइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइट कास्ट दैट द सनस्क्रीन इज लेफ्ट. So just ignore that because it is very very important. बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, I have to take care of my skin, right? तो हाँ, तो मैंने अभी कैमरा ये बताने के लिए ऑन किया था कि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई तो उनको अभी जाना है कीर्तन में. इसलिए ये साड़ी सेलेक्ट की थी. इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सैटिन मटीरियल.
उनका सर में दर्द थोड़ा सा ठीक हो गया. शी वोक अप एंड द फर्स्ट थिंग दैट शी टोल्ड मी इज, नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, मेरे लिए वाली साड़ी निकाल, ये ज्यादा सुंदर है. सीरियसली लेडीज कैन बी हाई मेंटेनेंस एंड नखरे वाली, फुल ऑन नखरे वाली. अभी मेरी मम्मी के सर में दर्द हो रहा था और 1 बजे के कीर्तन में मम्मी तैयार हो चुकी है 12 बजे से. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. और क्यों मम्मी इतनी जल्दी तैयार हुई हो? तो मम्मी कह रही थी कि मैं तैयार हो जाती हूँ फिर तो मुझे व्लॉग में ले लेगी और मैं सुंदर नहीं लगूंगी. इनके सर दर्द हो रहा है और ये पूरे साड़ी पहन के तैयार हो गई है. बताओ इससे ज्यादा डेडिकेशन है किसी में? मैं बिना मुंह धोए अपने व्लॉग में आ जाती हूँ पर वो व्लॉग के लिए देखो कैसे तैयार हुई है. Oh my God. चलो नाउ आई विल गो विजिट द डोरमैट एंड आई विल सी यू वंस आई एम बैक होम. बाय. Finally, I am back. So it is 2:30 now, and it took me like 2-2.5 hours to go there, consult, and come back. In case I have not mentioned this earlier in the video, I went to visit a dermatologist to take a professional advice and consultation about my acne marks, mainly, and a little bit of active acne that I am having. आप में से बहुत लोग मुझे DM करते हैं Instagram पे कि आपके थोड़े टाइम से इतने ज्यादा एक्ने क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ द मेकअप दैट यू आर यूजिंग. एंड आई हैव नॉट बीन एड्रेसिंग दोज क्वेश्चंस ऑफ लेट बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टू, क्योंकि मुझे पहले एक्ने होता था ऑब्वियसली, तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो किसी को नहीं पता चलता था. बट कुछ टाइम से अबाउट 4-6 months मेरे को बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे 4-6 months बैक. अब तो ब्रेकआउट्स बहुत कम है बट क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई थी, तो मैंने वो सारे एक्ने जो होते हैं वो स्क्रैच कर देते, तो उसके मार्क्स मेरे स्किन पे रह गए हैं. दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग अ लॉट लेटली एंड आई एम रियली रियली हैप्पी विद हाउ माई स्किन इज डूइंग ऑफ लेट. आई विल नॉट टॉक अ लॉट अबाउट इट इन टूडेज वीडियो. आई माइट मेक अ वीडियो अहेड टॉकिंग अबाउट माई एंटायर स्किन जर्नी. मैं बताऊंगी कि वट वॉज कॉजिंग दिस मच ऑफ एक्ने ऑन माई स्किन और मैंने कैसे इससे डील किया है और अब मेरी स्किन बहुत ज्यादा बेटर है. सो आई जस्ट गॉट सम फेस वॉश एंड सनस्क्रीन फ्रॉम द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो आई गॉट दिस लिटिल सैपलिंग, कड़ी पत्ता का पेड़ है ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेके आई हूँ क्योंकि वो काफी टाइम से मुझसे बोल रही थी कि मुझे कड़ी पत्ता का पेड़ चाहिए. और मैं जब भी कोई भी ऐसा नर्सरी देखती थी तो मेरे को एकदम से हिट होता था बट मैं भूल जा रही थी और दिमाग से निकल गया था बालकनी में. आप तो झूठी नंबर 1 की कह रही थी. अच्छा। ये वहीं जहाँ मैं गई थी वहीं थी एक नर्सरी. ये तो चाहिए था मेरा. हाँ मैंने उन्हें बताया कि मैं मेकअप यूज करती हूँ, मतलब मैंने उन्हें पूरा बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ मेकअप से ही हो रहा है, तब आप मेकअप लगाना छोड़ दो. तो बस यही बोल रही थी, कह रही थी आपको सूट नहीं कर रहा होगा, आपकी स्किन ऑयली है. तेरे को मैंने पहले बोल दिया था ज्यादा डॉक्टर मत बनो. The next day. Guys, good morning. So it is the next day. और अभी 7 बजे है. मैं अभी सो के उठी हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ ऑलरेडी खाना बन चुका है और यहाँ हलवा बन रहा है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है. मेरी मम्मी ऑलरेडी खाना बना चुकी है. हाय बोलो. हाय. क्या बना चुके और क्या क्या बनना बचा है? हलवा बन गया, चने उबल रहे हैं, सब्जी बननी बची है. कौन सी सब्जी बना रहे हो? आलू और चने की सब्जी. और पूड़ी? पूड़ी के लिए आटा गूंथ चुका है, पूड़ी बनेंगे अभी. दिस इज रेडी फॉर द डे. आई टुक अ बाथ, आई वॉश्ड माई हेयर एंड आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप. आई डिड नॉट डू एनी बेस मेकअप टूडे बिकॉज कहीं जाना नहीं है एंड देन इट जस्ट वुड बी एन हैसल टू रिमूव इट. तो मुझे आलस आ रहा था तो आई जस्ट अप्लाइड अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम ब्लश, द सेम ब्लश इज आई शेडो एंड अ लिटिल बिट लिपस्टिक एंड ऑफकोर्स मस्कारा एंड आई थिंक इट लुक्स गुड.
So yeah, this is just the little bits that I do when I don't want to get ready but still get ready. So yeah, that's me ready, and also I've put these jhumkas, I really like them. And now I'll go in the kitchen and help my mom to cook, and also I'll do the puja. So I'll just drop a few clips here and there. I'm not at all comfortable at vlogging even now, but like I'm trying, so please bear with me and let me know in the comments if I am doing a tad bit good job in it. So yeah, let's just go and see what I have to do. So with that the puja is done, kanya pujan bhi ho gaya hai, and मैं बहुत ज़्यादा vlog नहीं कर पाई because सब लोग ही busy थे तो camera नहीं कोई पकड़ पाया और बहुत ज़्यादा rush हो गया था. हम लोग हर बार specially जब से covid हुआ तो covid के time पर कोई भी society में तो अपने बच्चे नहीं भेजता था because of obviously the virus infection and all. तो उस time पर हम लोग मतलब बाहर मंदिर या कहीं पर जाके बच्चों को खाना खिला देते थे, बट जब से कोविड थोड़ा सा सही हुआ है तब से भी अभी भी मेक श्योर कि मतलब हम लोग ना जब सोसाइटीज ऐसे नई बच्चे बुलाते हैं कन्या पूजन के लिए, वी गो आउट और जो रोड साइड या मंदिर के वहाँ पे बच्चे होते हैं बिकॉज दे आर ऑब्वियसली नीडी एंड माइट बी हंग्री, तो फिर वी फील बेटर दैट वे, तो हम लोग वही करते हैं. तो काफ़ी सारे बच्चे आए थे, सबको खिला दे, एवरीबडी लव्ड द फूड. और अब 9 days मेरा भी फास्ट कम्प्लीट हो गया है, तो आज लास्ट डे था और अब कन्या पूजन हो गया था, अब मैं खाना खाऊंगी एंड आई एम सो सो हंग्री. आज मुझे सुबह से इतनी भूख लग रही है बिकॉज आज मुझे पता है कि आज मुझे फास्ट नहीं रखना, तो सुबह से ही मेरे पेट पे से आवाज़ें निकलने लग गई थी. तो अब मैं फटाफट जाके खाना खाती हूँ एंड आई विल एंड दिस व्लॉग राइट हियर इटसेल्फ. आई डोंट नो ये व्लॉग कैसा बना, आई ट्राइड माई बेस्ट टू व्लॉग, बट या लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, लेट्स सी इफ आई पुट इट अप और नॉट, बट आई एंड इट राइट हियर इटसेल्फ. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि वॉट टाइप ऑफ वीडियोज यू वॉन्ट मी टू डू, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. जय माता दी. मेरी नवरंगी नवरात्रि सीरीज को भी थोड़ा प्यार दे दो, बहुत कम व्यूज आए हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.